हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 आप पहले देख लीजिए, लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए, तब आप लेक्चर नंबर 5 पे आइएगा, क्योंकि मैं कहता हूं आपको हो सकता है ना समझ में आए लेक्चर नंबर 5, क्योंकि आपने लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा होगा, तो हो सकता है ना समझ में आए। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, आप लेक्चर नंबर 4 पहले देख लीजिए, तब जाके आप लेक्चर नंबर 5 को देखिए। ठीक, और कितना भी कमजोर से स्टूडेंट अगर वो लेक्चर नंबर 3-4 मेरा देख ले, फिर 5 देखकर ना समझ में आए तब वो बोले, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला है, ठीक, मैंने लेक्चर नंबर 4 में क्या बताया था दोस्तों, याद होगा आपको, जैसे आप बहुत सारे एलिमेंटों के मैंने बारे में बताया था, जैसे 1 एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर 1 जिस पे हाइड्रोजन आता है, हीलियम 2 पे आता है, ऐसे में 20 तक का मैंने बताया था, 20 एलिमेंटों का। उसमें मैंने बताया था जो 20 एलिमेंट्स हैं यानी 1 to 20 यानी 1 से लेकर 20 तक का, उसमें मैंने बताया था उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लाइक एस आर्गन देख लो भैया, आर्गन की बात कर लेते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे करते हैं, बोहर के दोनों रूल्स आप पढ़ चुके हो, बोहर के दोनों रूल्स क्या थे, बोहर ने बताया था, आप पहले लेक्चर नंबर 4-3 चेक करें। ठीक, बोहर ने बताया था, क्या बताया था, कि जो फर्स्ट आर्गन एक एटम होता है भैया, आर्गन क्या होता है, एटम, एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल लेमन जैसा, एटम का शेप लेमन जैसा होता है स्फेरिकल। अब बोहर ने बताया था 18, जो ये तुम एटॉमिक नंबर भैया बताते हो, एटॉमिक नंबर इसी को कहते हैं कि आर्गन एटम में इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब अगर कोई पूछे आर्गन एटम के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते, ओ हां बिल्कुल, हम आपसे पूछेंगे कि आर्गन के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कह दो 18 इलेक्ट्रॉन, यही इसका एटॉमिक नंबर भी है, यानी एटॉमिक नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ बोहर का रूल पढ़े हो ना, बोहर ने क्या बताया था फर्स्ट, कि किसी भी सेल में, फर्स्ट सेल में यानी आप बताओ इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं, पहले बताओ इलेक्ट्रॉन एटम में राउंड करते हैं ना, सेंटर में कौन होता है, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बीच में प्रोटॉन और क्या होते हैं न्यूट्रॉन, ये लोग बैठ के तमाशा देखते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्विंग करता है, चक्कर लगाता है। तो बोहर ने अपने पहले रूल में क्या बताया था, बोहर ने अपने पहले रूल में बताया था कि पहला जो रास्ता होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं रनिंग करते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कोई अगर 3 दे दे समझो बहुत बड़ा बेवकूफ हो, गलत नहीं हो, गलत हो, समझ गए ना, तो 3 नहीं दे सकते, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फिर बोहर ने क्या बताया था, बोहर का सेकंड रूल याद है, बोहर का सेकंड रूल क्या है, कि किसी भी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, कितने, 8, तो आप अगला रास्ता चालू कर दीजिए, आप उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश ना कीजिए। ठीक, तो चलिए भैया मुझे 18 तक जाना है, तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दे दिया ना, हम कहां तक भैया पहुंच गए, 10 तक पहुंच गए ना। अब बोहर ने क्या बताया था, 8 होते ही अगला चालू कर देना, बात अब वेट ना करना कि इसको हम और दे, वैसे तो बोहर का जो रूल है आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं मैक्सिमम 8, और 8 आप दे भी चुके हो, तो जब जो चीज मैक्सिमम उससे ज्यादा तुम कैसे दे सकते हो, तो 8 तो दे चुके हो ना, 9वां तो नहीं दे सकते हो ना, लेकिन तीसरे में मैक्सिमम कितने होते हैं 18, तीसरे में मैक्सिमम कितने होते हैं 18 ना, तो तुम सोच रहे हो तीसरे में 18 दे रहा है, यही सोच रहे हो ना, हाँ ठीक है सोचे रहा ना, अभी हम बाद में बात करते हैं। ठीक, लेकिन हमें तो जाना 18 तक, तो मेरा जब 8 हो गया है तो बोहर का सेकंड रूल याद है ना, कि 8 होते ही रुकना मत, अगला चालू कर देना, तो अगला चालू कर दो भैया, अगला चालू कर दो, तो बताओ कितना बार हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तुम काउंट कर लो भैया, 18 हो चुके हैं, 2 + 8 = 10 और फिर 8 और, तो 18 हो चुके हैं। ठीक, ये आर्गन का है। अब मैं अगर आपसे कहूं कैल्शियम का लिखो भैया, जो कि एटॉमिक नंबर कितने पे है, 20 पे, तो कैसे लिखोगे इसका, तो देखो देखो बोहर ने क्या रूल बताया था, पहला रूल कुछ लोग सोच के ही गलत कर देंगे, बोहर ने अपने तीसरे रूल में बताया था कि अगर तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 होते हैं ना, बताया था कि नहीं बताया था, अब कुछ लोग क्या कहेंगे ना, कहेंगे भैया 18 तक तो जाना है, 18 तक जाना है, तो
तीसरे में तो होते मैक्सिमम में ज्यादा से ज्यादा तुम 18 तो दे ही सकते हो, तो दे दो 18। मतलब मेरे कहने का मतलब 8 दे चुके हो, तुम्हें 20 तक जाना है भैया। ये किसका मतलब पहले बताओ, ये 18 का बन चुका है, तुम्हें 20 में जाना, तो दो एक्स्ट्रा जाना है ना, दो इलेक्ट्रॉन, तो तुम दो इलेक्ट्रॉन सोचोगे लाओ इसी में दे दे। क्यों सोचो, क्यों सोचो, क्योंकि इनको 18 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 18 मैक्सिमम कितना 18, तो लड़का तो सोचेगा 8 है तो दिए हैं अभी, तो इनको दो और दे सकते हैं। जैसे ही वो दो इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, तुरंत उसका मैं काट दूंगा गलत। क्यों, क्यों गलत काट दिया मैं? तो आपने रूल पढ़ा था ना, क्यों गलत काट दिया? इसका आंसर बोहर ने ये पहले ही बता दिया था दूसरे रूल में कि अगर किसी में 8 हो गए हैं तो आप एक्स्ट्रा फिर उसमें ना दीजिएगा। तो क्यों दिए तुम, क्यों दिए? तो इसलिए मिटाओ पहले इनको, पहले मिटाओ इनको। एक लड़का आया मुझसे, कहा आप दो दीजिए, मैंने कहा दो इलेक्ट्रॉन दीजिए इसमें, मैंने कहा नहीं दे सकते, बोहर का दूसरा रूल था कि किसी में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है तो आगे बढ़ जाओ। तो उसने एक लड़का और आया, ठीक, या वही लड़का है, उसने कहा कि आपने तो बताया तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, तब ये क्यों बताया आपने? जब आपको 8 ही देना था तो आपने एक रूल क्यों बताया? तो मैंने उसको समझाया कि देखो बोहर का जो पहला रूल था भैया वो था ठीक है, फर्स्ट किसी भी सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 18 होते हैं, फोर्थ में कितने होते हैं 32। वही दूसरा रूल कहता है कि अगर किसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो आप अगला चालू कर दीजिए, और यही रूल सबसे मेन है, ठीक। अब आते हैं तुम्हें हम इसका भी आंसर देते हैं, जब तीसरे में 8 पे ही अगला चालू कर देना है, 18 देना नहीं है, तो फिर 18 का क्या यूज, क्या यूज है 18? तो चलो समझते हैं 18 पे। तो देखो भैया, ठीक, बोहर ने बताया था एक थर्ड रूल उनका, बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना इसको। तीसरा रूल ये बताया था कि अगर किसी भी सेल में, इन एनी सेल इफ मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ज्यादा बोल रहा हूं, ज्यादा 2 से ज्यादा है, देन बिफोर सेल इज कंप्लीटेड। तो उसने बताया था कि उसके पहले का सेल क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब भरा होना चाहिए। अभी भी समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं। जैसे अभी मैं कह दूं 20 का दो, तो आप बताओ 20 का छोड़ो, चलो आर्गन का ही चेक करते हैं। तुमने एक किसका लिखा बताओ, ये आर्गन का लिखा है भैया, चलो बोहर का तीसरा रूल इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ 18 पे जाना था तो पहले तुमने कितना दिया, 2 दिया, 2 से ज्यादा दे भी नहीं सकते हो पहले रास्ते पे, याद होगा। तो बताओ 2 दिया है ना, क्या बोहर का तीसरा रूल यहां लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बोहर का जो तीसरा रूल है कब अप्लाई होगा, मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए। तो क्यों लगा रहे हो, दुई है तो काहे लगा रहे हो, मत लगाओ। सेकेंड सेल पे तुम कितने इलेक्ट्रॉन दोगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन दोगे सेकेंड सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप बताओ, तो ये 2 से तो ज्यादा है ना, मोर देन 2 है ना, बताओ ये मोर देन 2 है ना भैया, मोर देन 2 है ना, तो क्या इसके पहले का ये कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है, तो इसलिए सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलो फिर तुमने कितना दिया था, मैंने कहा था सेकंड रूल 8 होते ही अगला चालू कर देना, यही दिया था, आर्गन का देख लो, चेक कर लो, मैंने लिखा है। बताओ ये तुमने 2 से ज्यादा दिया, दिया ना, तो क्या इसके पहले कौन आता है, ये ना, ये कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से ज्यादा नहीं होते। अब आप बताओ इसका मतलब हम सही चल रहे हैं ना, यही तीसरा रूल यहां तक सही है। चलो 20 के लिए देखते हैं, तो पहले रास्ता कितना दोगे भैया, 2, हमें 20 तक जाना, फिर 8 दो, फिर 8 दो, क्योंकि देखो रट लो तुम्हें 8 देना है, 8 देते ही अगला चालू कर दो, कहां तक पहुंचे गिनो, 2 8 10 10 और 8 18, फिर 8 दोगे, देना तो 8 चाहिए, लेकिन एक चीज बताओ 20 तक जाना है, 20 तक ही जाना है, तो 18 तो यही हो गया है, तो भैया 2 ही तो एक्स्ट्रा दोगे, क्यों?
अब सुनो ध्यान देना, बोहर के सेकंड रूल के हिसाब से 8 होते ही मैंने अगला क्या कर दिया, चालू कर दिया। इसमें 18 नहीं दिया मैंने, अभी देखो मैं 18 दूंगा तुम देर में। पहले बताओ सेकंड रूल सही आ रहा है जी? 8 होते ही अगला तुम क्या कर दिए, चालू कर दिए। चलो 21 का लिखते हैं, कितने का 21 का। 21 में कौन आता भैया? स्कैंडियम, स्कैंडियम आता है 21 में। इसका नाम स्कैंडियम होता है, एस सी ए एन डी आई यू एम, स्कैंडियम। कैसे लिखोगे भैया इसका? फर्स्ट सेल में कितना 2, उससे ज्यादा नहीं। सेकंड सेल में कितना मैक्सिमम 8 दिए। अब बताओ 8 दिए फिर कितना दोगे भैया? 8 होते ही अगला चालू कर दो, 8 फिर 8 दिए, कितना हो गया 18। फिर बताओ अगला 8 दोगे ना, 8 क्यों दोगे, जाना तो 21 पे ही है, 18 तक पहुंच गए हो, तो कितना दोगे? 3 दोगे कि नहीं पहले बताओ, दोगे? अब चलो बोहर का थर्ड रूल चेक किया जाए। बोहर का थर्ड रूल है इफ इन एनी सेल मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, कहता है कि अगर किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो देखो 2 से ज्यादा है। इसमें देखो यहां तक तो कंप्लीट सही आ रहा था ना, यहां तो तुमने चेक किया था ना। चलो बताओ, अच्छा फिर से चेक कर लेते, बताओ इसमें 2 से ज्यादा तो है नहीं इसलिए इसको घटाओ, इसमें मोर देन 2 है बिल्कुल है, तो क्या इसके पहले वाला कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें मोर देन 2 है, हाँ बिल्कुल है, तो क्या इसके पहले वाला कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है, कंप्लीट है। बताओ इसमें मोर देन 2 है, हाँ है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन यहां आपने दे दिया है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया है, तो बताइए क्या इससे पहले वाला कंप्लीट है? नहीं है ना, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 और आपने 8 ही दिया है, तो तीसरा रूल तो यहां फॉल्ट साबित हो रहा है ना। तो आप बताओ यहां पे 2 से ज्यादा अगर तुम दे दियो, मोर देन 2 दे दियो, तो इससे पहले वाला क्या होना चाहिए? बिफोर से कंप्लीट, जबकि है नहीं, ठीक। अब जब है नहीं तो कंप्लीट करो ना, चलो कंप्लीट करो, कैसे करो ठीक? तो इनको एक काम करो, क्योंकि 2 से ज्यादा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके पहले वाला नहीं है कंप्लीट। तो एक काम करो, इनसे कह दो ना जो लास्ट में, भैया तुम 2 ही पे रुके रहो, मैं तुम्हें तब आगे बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा जब ये क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। तो ये कहे अच्छा ठीक है, तो मैं इनको रोक दिया कितने पे 2, क्योंकि 2 से ज्यादा दूंगा तो तीसरा रूल हमें अलाउ नहीं करेगा ठीक। तो इनको मैं 2 पे रोक दिया, और जो भी कमी पूरी करनी है मैं इनसे कमी पूरी करूंगा। बताओ अब इनको मिटा दो, रब कर दो, बताओ 2 8 10 10 और 2 12 हो गया। अब बताओ कितने और देने, 9 इनको दे दो, कितना सही है, अब सही आ रहा है ना। अब ऐसे भैया मैं कह दूं 22 का लिखो, तो कैसे लिखो? पहले 2 दे दिया करो, हमेशा 8 दे दिया करो, 8 दे दिया करो, देखो 18 पहुंचा अभी, 18 ही पहुंचा, फिर कितना दोगे बताओ? अगर इनको तुम मान लो, अगर तुम इनको दे देते हो 18 हो गया 4 दे दिए, तो गलत हो गया, क्योंकि मोर देन तुमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 से ज्यादा दिया ना, तो इससे पहले वाला क्या होना चाहिए? कंप्लीट ना, कहां कंप्लीट है, कहां कंप्लीट है? तो इनको कह दो भैया पहले तो 2 पे रुको, हम तुम्हें बाद में बढ़ाएंगे जब ये फुल हो जाएंगे, जब तक ये 18 पे नहीं पहुंच जाए भैया तब तक इनको 2 पे रोके रहो, याद करो चौथे वाले को तुम 2 पे रोके रहो जब तक ये कितने ना पहुंच जाए। अच्छा बता इसमें, इसमें कितना दे, इसमें दे दो 22, मतलब 10 दे दो, इसमें टाइटेनियम आता। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं 26 का कैसे करोगे, आयरन, तो इनका कैसे, पहले 2 फिर 8 फिर 8, लास्ट में ये कितना दोगे फोर्थ वाले, अभी कहा ना फोर्थ वाले में 2 में इनको रोके रहो, जो कभी पूरी करनी हो इनसे पूरी करो, तो 10 2 12 12 हो चुका है, बताओ 14 कितना आ गया, बताओ फिर 30 का बताओ, बताओ जी का जेडन कैसे आए 28, तीसरे वाले को भी मत करो, इनको 2 पे रोके रहो, तो ये कितना दे दो 18 दे दो, काम खत्म, ये इतने थे। अब आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, मैं आपको दे रहा हूं, मुझे आप वनेडियम तो करके बताइएगा 23 एटॉमिक नंबर ठीक, मुझे आप कॉपर वो, मुझे आप निकिल का करके बताइएगा जिसका एटॉमिक नंबर 28 है ठीक, इन दोनों का करके बताइएगा मुझे ठीक। आगे चलते हैं,
देखो भैया कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शन, जिनमें क्या है एक्सेप्शन, जैसे क्रोमियम आता है भैया 24 पे एलिमेंट मेटल मेटल ना, ऐसे कॉपर आता है 29 पे, इनका रूल अलग। तो चलो देख लो इसका रूल क्या है। ठीक, अगर इनके रूल की बात करें तो इनका रूल क्या है। ठीक, तो सबसे पहला काम आप इनका रूल जानते हो क्या है, ध्यान देना। अब अगर हम आपसे ये कह दें क्रोमियम का 24 पे इनका क्या है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर यानी बोहर के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या मैंने बताया, बताइए। फर्स्ट में तो भैया आपको 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम 2 से ज्यादा तो आप दे नहीं सकते हो। फिर कितना दोगे, 8 होते ही वेट मत करना, अगला चालू कर देना, स्टार्ट कर देना। अब आप बताओ फिर 18 तक ही तो पहुंचे हो, 2 8 10 हो गया, फिर 8 और 18 हो गया, हमें तो जाना है कहां तक, 24 तक। अब आप बताओ अगर इसको 6 दे देते हो तो बोहर का थर्ड रूल यहां पे फॉल्स साबित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोहर ने बताया था कि अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन देते हो किसी भी सेल में तो उससे फर्स्ट वाला सेल क्या होना चाहिए, कंप्लीट। तो आपने गलत कर दिया ना। तो इनको एक काम करो, इनसे कह दो भैया आप 2 पे ही रुके रहो, इनसे कह दो तुम 2 पे ही रुके रहो और इनको पहले मैं क्या कर देता हूं, कंप्लीट कर देता हूं। तो कंप्लीट करो इनको, हमें 24 तक जाना है। तो बताओ रूल के हिसाब से क्या आएगा, 2 8 10 और ये 12 हो गया, तो इनको 12 दोगे ना। ये बोहर के हिसाब से, ये रूल के हिसाब से, बोहर के हिसाब से। लेकिन इसमें जानते हो क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रूल का फॉलो नहीं करता, मतलब रूल तो यही है लेकिन ये इसका फॉलो नहीं करता, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शन। जैसे हम आपको कोई काम कहें और आप उस रूल को फॉलो ना करो तो आप क्या हो, एक्सेप्शन में आओगे। ऐसे क्रोमियम भी एक्सेप्शन में आता है। तो इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो देखिए इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है कि ये कहते हैं ना, इनका रूल अलग याद करो दिमाग में, इनके लास्ट में तुम 1 रखा करो, बस बस और कुछ नहीं। तो 2 8 और लास्ट में 1 रख दो, पहले रूल के हिसाब से लिख लिया करो। देखो एक मिनट, एक्सेप्शन का बताना तुम्हें ना, दिक्कत हो रहा है। पहले रूल के हिसाब से लिख लिया करो और लास्ट में 2 दिए तो कितना दे दो, 1 और बाकी कभी इन्हीं 2 बीच में, बताओ कितना हो जाएगा, 2 8 10 और कितना 11, कितने पे जाना है, 29 पे जाना है, नहीं 24 पे जाना है, तो कितना दो, 30 दे दो, 24 होगा, जोड़ लो। अब बताओ कापर का कैसे करोगे, कापर का 29 बताओ कैसे करोगे। तो 2 8 पहले रूल के हिसाब से कर लो, 2 8 फिर 8 फिर 2। अब बताओ एक मिनट, रूल के हिसाब से करोगे तो मैं बता देता हूं इसका कितना आएगा, ऐसे आएगा, इनको 2 पे रोकोगे ना, आगे इनको दोगे ना, इनको 18 तक ले जाओगे ना। अब आप बताओ इसमें भी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन का क्या रूल होता है, ये कहते हैं लास्ट में कितना 1 1 1, तो इनको 1 दो, तो इनको कितना दे दो, 18, बस जोड़ लो आएगा 39। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आप मेरा वीडियो पाएंगे, ठीक। और अगर आपको समझ में आता है तो मैं आगे के भी लेक्चर बनाना चल रहा हूँ, ठीक। तो इसलिए आज इतना ही, ठीक, लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट टर्म में जल्दी से ही बना रहा हूँ, कल परसों में जल्दी से ही, ठीक। उसमें मैं आपको अब प्योर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में नहीं समझाऊंगा, अब सीधे आ जाता है बॉन्ड स्ट्रक्चर।